ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी को जो है मतलब कि कुछ बैकग्राउंड पेजेस दूंगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस आपको क्या कौन सा बैकग्राउंड पेजेस किस जगह पे यूज करना सब कुछ आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को जो है बहुत ध्यान से देखना। एंड गाइस आप सभी से ना मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइस इस फोटो एडिटिंग में ना गाइस सारा कमाल जो है रीटच का है, क्योंकि गाइस अगर आप मतलब कि पीएनजी वगैरह लगा लोगे, अगर आप रिटच एकदम मतलब कि अच्छे से नहीं करोगे तो गाइस ये फोटो जो है इतनी खास नहीं दिखेगी जो जितनी आपको थंबनेल में दिखी थी। ठीक है, तो आप लोगों को जो है रिटच वाला पार्ट जरूर देखना है एंड वो वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। एंड बाकी पीएनजी वगैरह जो मैं बता चुका हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस वीडियो अगर अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज जरा वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले इनको प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो यार इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ से जाना है गाइस आपको ऐड फोटो में। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। ठीक है, तो गाइस जो मॉडल का बैकग्राउंड है वो मैंने पहले से इरेज कर रखा है ताकि यार आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ मैं। ठीक है, एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मैंने आपको वहाँ पर तीन वीडियो की लिंक दे रखी है, तो आप तीनों में से कोई सी वीडियो को देख लेना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि आपको बैकग्राउंड इरेज करना कैसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइस अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस जब आप अपने मॉडल को यहाँ पर ऐड करोगे तब गाइस आपको जो हाइट वगैरह अपने मॉडल कुछ इस टाइप से रखनी है। ठीक है, एंड जो साइज है मतलब गाइस आप देख लेना ध्यान से। एंड गाइस उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस अभी आपको यहाँ पे डन नहीं करना है। ठीक है, आप सभी को गाइस यहाँ पे आपको पिक्सआर्ट में एक शेडो वाला ऑप्शन दिख जाएगा। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, आपको जो है आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको सिंपली इसको कुछ गाइस इस तरह हाइट रखना है। एंड जो सेकंड वाला गाइस इसको आपको कुछ इस टाइप से आपको इतना रखना है। ठीक है, मतलब आप देख लेना समझ जाना गाइस। ठीक है, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसमें आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है। एंड उसके बाद जब आप एडजस्ट में जाओगे तो आपको गाइस जो ब्लर वाला हिस्सा जो गाइस आपको उसको ऊपर की तरफ प्लस करना है, जो ओपेसिटी वाला उसको कम। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको इजीली यहाँ पे इसको कर देना है डन। ठीक है, आपको ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली यहाँ पे कर देना है डन। एंड गाइस उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, अब गाइस यहाँ पे जाना आपको टूल्स में, फिर जाना आपको क्रॉप में। एंड गाइस उसके बाद आपको उसको पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, एंड जो भी मतलब आपके साइज देख लेना, आपको ऊपर का ज़्यादा हिस्सा चाहिए नीचे का ज़्यादा हिस्सा वो अपन आप सब देख लेना। एंड बस आप सभी को पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन ही लेना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आप सभी को जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को जो बैकग्राउंड मैंने दिया था गाइस आपको सिंपली उसी को वापस से ऐड करना है यहाँ पे। एंड गाइस उसके बाद आपको इसको कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है। एंड गाइस इसका जो साइज़ है जितना हो सके उतना इंक्रीज कर लेना, मतलब ज़्यादा भी मत करना। ठीक है, मतलब कि दो तीन वर्ड्स जो हैं दिखने चाहिए आपके गूगल्स में, तो आप क्योंकि हम उसमें फील करेंगे ना। फिर इसे टूल में जाकर आपको सोचा इसकी हार्डनेस को थोड़ी सी बढ़ा देना है, जो साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। देन गाइस आपको फोटो को जूम करना है। एंड गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको गाइस जब फोटो क्लिक करवाओगे तो गाइस कोई स्पेक्स या चश्मा मतलब कोई भी गूगल्स वगैरह आप पहन के एक बार क्लिक करवा लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें जब भी आप ये सब चीज़ें हैं जब भी आप लगा पाओगे, क्योंकि जो पीएनजी है ये लगाना है एंड इसी से एक अच्छा सा लुक आ रहा है हमारी फोटो में। तो आपने देखा होगा गाइस थंबनेल में दोनों मॉडल है, दोनों मॉडल में यही इसी की वजह से जो है काफ़ी अच्छा लुक आया है। तो गाइस आप लोगों को गूगल से या कोई भी स्पेक्स या पहन के आपको फोटो क्लिक करवाना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट करता हूँ, जो आगे का प्रोसेस है गाइस वो मैं आप सभी को बताता हूँ, तब तक मैं इसको कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है, अब क्या करेंगे गाइस इसको हम, अब यहाँ पे गाइस ज़्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है हमें इसको, यहाँ पे हमको सिंपली आप इसको कर देना है डन। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ऐड डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसको कर देंगे डन। अब गाइस इसमें क्या रह जाता है हमारा, गाइस देखिए हमारे जो स्पेक्स है ना इसके ऊपर हमें ब्लैक शैडो डालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल्स में, फिर एडजस्ट में, फिर यहाँ पे गाइस हम जो इसके ब्राइटनेस है गाइस इसको हम करेंगे कम। ठीक है, मतलब ये कर लेना अपने हिसाब से इतना कम करना, क्योंकि उसको तो हम बाद में एडजस्ट कर ही लेंगे। फिर आपको रिजल्ट टूल में जाना, आपको गाइस साइज को कुछ इतना कम रखना है। ठीक है, एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना, अपनी फोटो को जूम करना है। एंड जो गाइस आपको जिस स्पेक्स हैं यहाँ पे गाइस इसके बस आपको चारों कोनों में आपको जैसे गाइस देखिए ऐसे इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे शेडो क्रिएट करनी है। ठीक है, एंड मतलब क्या अभी जब हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे ना गाइस एकदम अलग ही लगेगा, फिर ये देखना भी हम करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा इतना हो चुका है, अब हम इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है अभी हमारे यहाँ पे मतलब शेडो की वजह से, तो आपको ये चीज़ जरूर करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। फिर गाइस इतना कर देने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस यहाँ से ऐड फोटो में जाकर आपको ये लेना विग्नेट का पीएनजी। गाइस ये पीएनजी जरूर ऐड करना है, ठीक है, इसके बिना यार फोटो बहुत अधूरी लगेगी, आपको ये पीएनजी जरूर यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसका एक डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ी कम लगेगी तो आप डुप्लीकेट कर लेना है। एंड उसके बाद अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो हम ऐसे ओपेसिटी कम कर लेना। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डन कर देना है। अब गाइस इसमें हमें थोड़ा सा काम और करना है, उसमें के लिए हमें क्या करना है, हमको जाना है पड़ेगा यहाँ से टूल्स में। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं टूल्स में। एंड उसके बाद यहाँ से जाना आपको फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपको थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाना है, इसको हमें इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है।
आपको साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड हल्का सा डोजन बर्न करना है, ठीक है गाइस। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, फोटो में अगर हम डोजन बर्न नहीं करते ना तो गाइस यार उससे भी थोड़ी सी फोटो जो है धुरी धुरी सी लगती है। तो गाइस आप या तो आप पहले ही कर लेना या फिर आप फोटो एडिट करते वक्त भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर है। एंड उसका जो ओपेसिटी वगैरह उसको रख लेना आपको 5-6 तक कुछ, ठीक है, इससे ज़्यादा मत रखना, नहीं तो यार ज़्यादा दिखता है ना तो यार डोजन बर्न तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में, ठीक है। असली काम जो है हमारा अब स्टार्ट होगा। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना इस लाइट वाला ऑप्शन है, आपको गाइस इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हल्का सा इंक्रीज करना है 9 तक कुछ, एंड जो हाईलाइट है गाइस इसको आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है मतलब 52 तक, एंड जो गाइस शेडो है आपको उसको माइनस नहीं प्लस रखना है 31 तक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा गाइस वाइट, आपको जो वाइट है इसको आपको थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक है, इसको माइनस कर देना वाइट को, एंड ब्लैक है जो इसको भी माइनस कर देना है ताकि जो डार्क हो जाए हमारे जो वर्ड्स वगैरह लिखे हुए। फिर आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको गाइस इसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है, ठीक है, वाइब्रेशन बढ़ा देना है 28 तक, एंड टेम्परेचर जो हल्का -4 तक कर देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है कलर मिक्स में, आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन जो माइनस करना है आपको अराउंड अपने अपने फेस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ल्यूमिनस बढ़ा देना है, एंड उसके बाद सेम चीज़ आपको फिर क्या करना है, आपको जाना रेड कलर में, आपको गाइस इसका जो ह्यू है इसको कम करना है, सैचुरेशन प्लस करना है, ठीक है, ताकि हम टी शर्ट वगैरह कलर भी चेंज कर लें हमें यहाँ पे। फिर आपको जाना येलो कलर में, आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, जो येलो कलर का ह्यू जो है आपको प्लस में रखना है, ठीक है, तक क्योंकि थोड़ा सा ऑरेंज टोन आ जाएगा आपके फेस पे। फिर आपको गाइस जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है क्योंकि गाइस ब्लू कलर तो है नहीं हमारे में, तो ऐसे सेम पर्पल का भी कर देना है क्योंकि वो है नहीं तो उसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे। एंड पिंक कलर में जाकर आप इसका ह्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो हम इसका सैचुरेशन भी प्लस कर लेते हैं ताकि लिप्स वगैरह जो थोड़ी ब्राइट हो जाए। फिर आपको डन कर देना है, एंड उसके बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे फोटो की जो शार्पनेस है सॉरी क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो डालना है, ठीक है। विग्नेट के बाद है एक नेक्स्ट लेवल लुक आएगा आपके में, ठीक है, विग्नेट जरूर डालना। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे मिलेगा फेदर, आपको गाइस सिंपली इसको इंक्रीज करना है, एंड गाइस उसके बाद आपको थोड़ा सा विग्नेट और डालना है, एंड उसके बाद गाइस आपको मिड टोन दिखेगा, आपको उसको भी यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे कम करना है, ओके। सो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेन अमाउंट, आपको गाइस इसको बढ़ाना है ग्रेन अमाउंट को। फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ से नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे फोटो की जो शार्पनेस है आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड गाइस उसके बाद आपको मिलेगा नोड रिडक्शन, आपको इसको इंक्रीज करना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी इंक्रीज कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो में जो काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है, तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस कम लग रही है मेरे को, तो गाइस इसमें हम थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं पहले, ठीक है, तो यहाँ चल देंगे लाइट में एंड इसमें हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, तो गाइस इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे हमारी फोटो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। एंड गाइस अगर वीडियो में अगर ज़्यादा ही अच्छी लगे तो प्लीज़ यार एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यार आपकी कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो यार कमेंट जरूर करना, एंड हो सके तो एक शेयर भी कर देना। बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।